आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में कमी और संक्रमण की दर में गिरावट के साथ ही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, परंतु अब पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में कमी आई है, तो उसके बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने एक आदेश जारी किए हैं कि जिसमें जिले के 6 विकास खंड में संचालित सभी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि स्कूल और कॉलेजों को भी संबंधित सभी गाइडलाइंस का पालन किया जाना आवश्यक होगा। छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी मास्क लगाकर शैक्षणिक संस्थान में पहुंचेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। 6 ब्लॉक में स्कूल प्रारंभ किया गया है, क्योंकि कोरोना दर की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और स्कूल में काफ़ी समय से पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्र हित में देखते हुए, कोरोना बचाव के उपाय को साथ में लेते हुए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से को अपनाते हुए आज से स्कूल प्रारंभ हो रहा है और सभी क्लासेस प्रारंभ करने का आदेश दे दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि खास ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी 4% पॉजिटिविटी इसकी पाई जाती है तो वहाँ थोड़ा सा स्कूल को नहीं लगाना है, किंतु जहाँ संक्रमण दर कम है वहाँ स्कूल को नियमित रूप से चलाना है।